कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो गई। बच्चों को प्रभावित करने वाली संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस पर निर्णय लिया। गौरतलब हो कि CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी है। दोनों बोर्ड अब फॉर्मूला तय कर रिजल्ट तैयार करेंगे। जुलाई में इसका परिणाम भी जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा के संचालन के पक्ष में था। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर परीक्षा केंद्रों का भी चयन किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से भविष्य में परीक्षाओं का संचालन हो पाना मुश्किल है। परीक्षाओं का आयोजन करवाने से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार मैट्रिक की परीक्षा के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि अब मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जानकारों की माने तो अगर सरकार इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने का निर्णय लेती है तो इसका आयोजन काफी समय लगता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जारी करने में देरी की संभावना होती थी। कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान हालात में परीक्षा संचालन की संभावना कम हुई। अगर जुलाई अगस्त में कोरोना संक्रमण कम होने पर परीक्षा का आयोजन होता है तो उनके मूल्यांकन और रिजल्ट जारी करने में अक्टूबर नवंबर तक का समय लग सकता है। ऐसे में अन्य कोर्सों में नामांकन कराना छात्रों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में झारखंड बोर्ड के बच्चों को काफी नुकसान हो जाएगा।